हेलो एवरीवन, वेलकम टू StudyIQ। StudyIQ के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी जो केंद्र सरकार है उसकी एक नई योजना, एक नया इनिशिएटिव है, जल शक्ति अभियान। जल शक्ति अभियान क्या है, इसके क्या मायने हैं भारत के अंदर, इसका एक डीप एनालिसिस करेंगे हम इसके अंदर कि भारत में इस वक्त जो वाटर क्राइसिस है उसके क्या रीज़न है और जल शक्ति अभियान इसमें कैसे मदद कर सकता है। इस वीडियो को मैं आप तक लेकर आ रहा हूँ, मेरा नाम है डॉक्टर गौरव गर्ग। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जल शक्ति अभियान जो है वो शुरू किसने किया है, ये जल शक्ति मंत्रालय ने शुरू किया है। स्वच्छ पेय और स्वच्छता, जो ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन का जो डिपार्टमेंट है, पहले ये मंत्रालय हुआ करता था अलग, अब इसको जल शक्ति के अंतर्गत एक डिपार्टमेंट बना दिया गया है, एक विभाग बना दिया गया है। तो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा ही जल शक्ति अभियान शुरू किया गया है। 1 जुलाई को ये अभियान लॉन्च किया हमारे जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने। ये कैंपेन वाटर कंजर्वेशन यानी जल संरक्षण और वाटर सिक्योरिटी के लिए। वाटर सिक्योरिटी का मतलब ये होता है कि हर घर में पानी होना चाहिए और अनइम्पीडेड वाटर फ्लो होना चाहिए, यानी जब जरूरत पड़े पानी की तब अगर पानी हो तो उसको वाटर सिक्योरिटी बोलते हैं। इस कैंपेन का फोकस जो है वो उन भारत की जगहों में होगा, उन ब्लॉक्स में और उन जिलों में जहां पे पानी की कमी है, यानी वाटर स्ट्रेस्ड डिस्ट्रिक्ट्स और ब्लॉक्स टारगेट किए जाएंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि पूरे भारत में हर जगह ही पानी की कमी है, तो 256 जिले ऐसे हैं जहां पे ये कैंपेन चलाया जाएगा, 256 डिस्ट्रिक्ट्स। ये कैंपेन सिटीजन पार्टिसिपेशन से होगा, यानी जन भागीदारी से होगा। जन भागीदारी के बिना हम पानी की समस्या को सॉल्व नहीं कर सकते, और आमिर खान को इसका एम्बेसडर बनाया गया है जल शक्ति अभियान का। इससे पहले हम जल शक्ति अभियान की बात करें, पहले जल शक्ति मंत्रालय की बात कर लेते हैं। जल शक्ति मंत्रालय एक बिल्कुल नया मंत्रालय है, पानी से रिलेटेड, वाटर से रिलेटेड कोई भी अगर चीज़ है तो वो ये मंत्रालय हैंडल करेगा, चाहे वो पानी की सफाई है, पानी का संरक्षण है। तो ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन मंत्रालय और मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर वाटर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुवेनेशन, इन सब मंत्रालयों को मिलाकर अब एक मंत्रालय है, जल शक्ति मंत्रालय। तो गंगा की सफाई का काम भी अब इसी मंत्रालय का होगा, यानी नमामि गंगे प्रोग्राम भी अब यही मंत्रालय चलाएगा। इसके लिए जो कैबिनेट रैंक के मंत्री हैं वो हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, जोधपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी है इनकी, और जो राजकीय मंत्री हैं वो हैं रतन लाल कटारिया फ्रॉम अम्बाला कॉन्स्टिट्यूएंसी। ये कैंपेन जो है भारत में 2 चरणों में चलाया जाएगा। पहला 1 जुलाई से 15 सितंबर, जिसमें हम टारगेट करेंगे साउथ वेस्ट मानसून को। साउथ वेस्ट मानसून क्या है, ये हमारा दक्षिण भारत है। तो दक्षिण भारत के पश्चिमी तट पे जो इसकी अरेबियन सी वाली ब्रांच और जो एक होती है बे ऑफ बंगाल ब्रांच, दक्षिण पश्चिम मानसून की निकल जाती है, जो उत्तर पूर्वी भारत में बारिश कराती है, और जो इसकी अरेबियन सी वाली ब्रांच है वो भारत के पश्चिमी तट, यानी कि ऊपर बात करें तो कोंकण कोस्ट, नीचे बात करें तो कैनरा कोस्ट और मालाबार कोस्ट, इन पे बारिश करवाती है साउथ वेस्ट मानसून। और वापस जब ये आती है तो इसको बोलते हैं रिट्रीटिंग मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून। तो नॉर्थ ईस्ट मानसून, जैसे कि चेन्नई में जो रेनफॉल होती है जो दिसंबर के वक्त होती है, वो नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से होती है। तो इसमें 2 चरणों में ये कैंपेन चलाया जाएगा, जल शक्ति अभियान, फेज 1 और फेज 2। फेज 1 टारगेट करेगा साउथ वेस्ट मानसून को और फेज 2 टारगेट करेगा नॉर्थ ईस्ट रिट्रीटिंग मानसून को। इसमें कौन कौन से एरिया हैं जिन पे ध्यान दिया जाएगा, भारत में 1186 ब्लॉक्स ऐसे हैं जहां पे भूजल जो है जितना होना चाहिए उससे ज्यादा उसका दोहन हुआ है, यानी ओवर एक्सप्लोइटेशन हुआ है। 313 ब्लॉक्स ऐसे हैं जिनमें ग्राउंड वाटर क्रिटिकल है, बिल्कुल खत्म होने के कगार पे है, और 94 ब्लॉक्स ऐसे हैं जहां पे ग्राउंड वाटर अवेलेबिलिटी कम हो गई है। तो ये 3 तरह के ब्लॉक हैं, टोटल 256 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर चलाया जाएगा। तो आपको ब्लॉक्स याद नहीं रखने हैं, आपको नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जरूर याद रखने हैं। और ये हमने शुरू क्यों किया, ये सबसे पहला क्वेश्चन आना चाहिए, जल शक्ति अभियान अभी क्यों शुरू किया। एक लंबी प्रक्रिया, एक लंबी श्रृंखला है इसके पीछे। जैसे पिछले साल अगर मैं बात करूं तो 13 सितंबर को भारत का जो मौसम विभाग है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उन्होंने कहा था कि भारत में 72% बारिश कम हुई है 2018 में, कंपेयर टू 2017 72% रेन कम हुई है। 12 दिसंबर को भारत के बहुत सारे राज्य हैं जिन्हें अकाल पीड़ित घोषित कर दिया गया, जैसे आंध्रा, कर्नाटका, महाराष्ट्र, झारखंड, गुजरात, राजस्थान और उड़ीसा। इनफैक्ट ज़्यादातर राज्य उड़ीसा को छोड़ के उन सब ने केंद्र सरकार से सहायता भी मांगी, वित्तीय सहायता ड्रॉट से, अकाल से लड़ने के लिए। 16 जनवरी को इस साल भारत के मौसम विभाग ने कहा कि अक्टूबर और दिसंबर में जो नॉर्थ ईस्ट मानसून है, यानी रिट्रीटिंग मानसून, वो भी कम हुआ। यानी कि भारत में पिछले साल ना सिर्फ साउथ वेस्ट मानसून
बल्कि रिट्रेटिंग मॉनसून भी बहुत ज्यादा कम था कंपेयर टू 2017। आईआईटी गांधीनगर, जो भारत में ड्रॉट अर्ली वार्निंग सिस्टम को मैनेज करता है, उन्होंने कहा कि 47% इंडिया है जो ड्रॉट जहां पे फेस कर रहा है। इस साल मार्च 29 को ये रिपोर्ट आई कि चेन्नई और बेंगलुरु में पानी बहुत कम हो गया है। इसका कारण क्या था? इसका कारण यह था कि पिछले साल जो है वो चेन्नई में बारिश बहुत कम हुई, तो वहां के जो भी रिजर्वायर है, जो भी एक्विफर है, जलाशय है, उनमें पानी नहीं पहुंचा। 9 मई को एक ड्रॉट एडवाइजरी इशू की गई भारत के बहुत सारे राज्यों को, क्लियर, और जितनी भी स्टोरेज कैपेसिटी है उसके सिर्फ 22% अवेलेबिलिटी दर्ज की गई भारत के बहुत सारे राज्यों में। और 31 मई को यह कहा गया कि इस बार थैंकफुली भारत में मॉनसून आएगा, लेकिन थोड़ा सा डिलेड आएगा, थोड़ा लेट आएगा और थोड़ा सा डेफिशिएंट होगा, लेकिन फिर भी पिछले साल के कंपैरिजन में आशावादी होगा। उसके बाद फिर जब नई सरकार बनी तो इन्होंने एक प्रॉमिस किया था सबसे, और वो प्रॉमिस ये था कि हम 2024 तक भारत के हर घर में पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर पहुंचाएंगे, यानी पाइप से ड्रिंकिंग वाटर पहुंचाएंगे। इस अभियान का नाम है नल से जल। तो ये केंद्र सरकार, बीजेपी जो है अभी और उसके घटक दल मिला के जिनको एनडीए बोलते हैं, उन्होंने प्रॉमिस किया था अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में नल से जल 2024 तक भारत के हर घर में, और इसको एक नाम दिया गया जल जीवन मिशन। तो जल जीवन मिशन सरकार की एक निष्ठा है और नल से जल अभियान है। तो अपने वादों को पूरा करने के लिए फिर ये जल शक्ति मंत्रालय बना उसके बाद, और फाइनली फिर अब जल शक्ति अभियान शुरू हुआ है। हम देखते हैं नीति आयोग की रिपोर्ट ने क्या कहा है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। नीति आयोग की लेटेस्ट रिपोर्ट आई है 2019 की, उन्होंने ये कहा है कि 2020 तक ही, यानी हम अब 18 महीने दूर हैं सिर्फ 2020 के अंत से, भारत के 21 बड़े शहर ऐसे हैं जिनमें भूजल खत्म हो जाएगा, ठीक है, जैसे कि बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, और करोड़ों लोग रहते हैं इन शहरों में, बहुत बड़े बड़े शहर हैं ये। तो भारत के 21 बड़े शहर ऐसे हैं जो जिनमें भूजल खत्म हो जाएगा 2020 के अंत तक ही, और 2030 तक, ये वो साल है जब हमें सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करना है। तो 2030 तक 40% भारत की आबादी ऐसी है जिसको पीने का पानी नहीं मिलेगा, ये नीति आयोग की रिपोर्ट ने कहा है। और यहां पे मैं एक चीज ये भी बता दूं, यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि 2027 तक भारत की आबादी चाइना को पीछे छोड़ देगी। तो 2027 वो साल है जब हम दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाले देश बन जाएंगे। नीति आयोग ने यह भी कहा है कि भारत की जो पानी की डिमांड है वो 2030 तक दुगनी हो जाएगी, और वर्ल्ड बैंक ने यह कहा है कि पानी की कमी होने की वजह से भारत के जीडीपी में 6% का नुकसान होगा 2050 तक। यानी कि पानी की समस्या इकोनॉमिक से भी रिलेटेड है, क्लियर। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारी केंद्र सरकार ने कहा है कि किसानों की इनकम को हम 2022 तक दुगना कर देंगे, पर क्या बिना पानी के आप किसानों की इनकम को दुगना कर सकते हो? तो ये भी एक मुद्दे है कि हम अपने टारगेट्स को, इकोनॉमिक टारगेट्स को कैसे अचीव करेंगे। हमारा एक टारगेट ये है कि हमें 2022 तक जो कृषि निर्यात है वो $60 अरब का करना है, ठीक है, $60 बिलियन का हमारा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट होना चाहिए 2022 तक। क्या हम इस टारगेट को पूरा कर सकते हैं बिना पानी के? ये संभव नहीं है। और नीति आयोग की 2018 की रिपोर्ट ने भी बहुत इंपॉर्टेंट बातें कही, जैसे फॉर एग्जांपल भारत अपने इतिहास में आज तक सबसे ज्यादा पानी की कमी से जूझ रहा है, नंबर वन। नंबर टू, भारत में 60 करोड़ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा पानी की कमी से त्रस्त हैं आज भी, और हर साल भारत में 2 लाख लोग मर जाते हैं क्योंकि उन्हें सुरक्षित पीने का पानी नहीं मिलता। तो पानी से बहुत सारे रोग होते हैं जैसे टाइफाइड वगैरह, तो उसकी वजह से 2 लाख लोग हर साल भारत में मर जाते हैं। अब ये मैप है, जल शक्ति अभियान जब शुरू हुआ तो जल शक्ति मंत्रालय ने ये मैप दिया है कि हम कहां कहां फोकस करेंगे। इसमें आप ध्यान से अगर देखें तो एक पैटर्न नजर आएगा आपको। क्या पानी की कमी उत्तर पूर्वी राज्यों में है? ना के बराबर। क्या पानी की कमी जो है भारत के इस हिस्से में है, यानी पूर्वी भारत में है? उतनी नहीं। तो पानी की कमी कहां है? पानी की कमी है पश्चिम भारत में, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, इवन वो एरिया भारत के जहां पे पानी बहुत ज्यादा बरसता है। जैसे अगर हम बात करें वेस्टर्न कोस्ट की बात करें तो वेस्टर्न कोस्ट पे भारत में सबसे ज्यादा रेनफॉल होती है, क्लियर। उन एरियाज में हम देख रहे हैं पानी की कमी हो रही है, और जो रेन शेडो में आते हैं यानी जहां उतनी बारिश नहीं होती, जो वेस्टर्न घाट के विपरीत दिशा में है, उनमें भी पानी की कमी बहुत ज्यादा है। और यहाँ पे आप दो कलर देखेंगे, एक तो येलो और एक लाल। इनका ये मतलब नहीं है कि येलो वाले में पानी की समस्या कम है और लाल वालों में ज्यादा है, ऐसा नहीं है। जनरली लाल कलर को हम जो डिनोट करते हैं वो यहाँ बात नहीं है। यहाँ येलो और लाल कलर का मतलब ये है कि जो येलो में है वो है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स।
एस्पिरेशनल। 115 जिले ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा पिछड़े हुए हैं, जिनको नीति आयोग ने ये वर्ड दिया एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, तो ये वो हैं। और जो येलो में है वो है नॉन एस्पिरेशनल, जो रेड में है, जो रेड में है वो है नॉन एस्पिरेशनल, और येलो में जो है वो है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, बस इतना फर्क है। तो जल शक्ति अभियान जो है उसमें हम क्या क्या काम करेंगे, 5 चीजों पर काम करेंगे, उनको हम डिटेल में स्टडी करते हैं। ये 5 चीजें कौन सी हैं? सबसे पहले है वाटर कंजर्वेशन एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। देखिए, भारत के बहुत सारे राज्य हैं, उन्होंने अपने अपने लेवल पर ये स्कीम चलाई हुई है। जैसे अगर मैं गुजरात की बात करूं तो वहां पे सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान चल रहा है। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान, ये अभियान ये था कि बारिश के आने से पहले ही हमारे जो कुएं हैं उनका साइज बड़ा कर लो, हमारे जो एक्विफर हैं, जलाशय हैं, उनका विस्तार करो, जिससे जब बारिश आए तो तुरंत हम इस पोजीशन में होने चाहिए कि हम पानी को इकट्ठा कर पाएं। इसी तरह से राजस्थान का एक बहुत ही सक्सेसफुल अभियान है जल स्वावलंबन अभियान। जल स्वावलंबन अभियान भी इसी तरह का है, जिसमें पानी का संचय किया जाता है और बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल है। अगर हम तेलंगाना की बात करें तो वहां पे भी इसी तरह की स्कीम चल रही है। जैसे वहां एक मिशन चल रहा है जिसका नाम है मिशन भागीरथ, एक और मिशन चल रहा है जिसको बोलते हैं मिशन काकाटिया। तो ये मिशन क्या है? ये मिशन ये है कि हमारे जो परंपरागत, हमारे जो कुएं हैं, जो पौंड हैं, तालाब हैं, हमारे जो टैंक हैं उनको रिवाइव करो, हमारे जो जलाशय हैं उनको रिवाइव करो परंपरागत तरीके से, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, जन भागीदारी से, पानी का रीयूज करो और हमारे जो स्ट्रक्चर है उनको रिचार्ज करो। वाटरशेड डेवलपमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। जब भी जैसे बारिश का पानी आता है तो वो बह जाता है, जिसे बोलते हैं रन ऑफ, उस रन ऑफ वाले एरिया को देखो कि वो कहाँ जा रहा है। जिन एरियाज में पानी बह के जाता है उन्हें वाटरशेड कहा जाता है। इन एरियाज में पानी को अगर हम इकट्ठा कर पाएं और उसको यूज कर पाएं तो वाटरशेड डेवलपमेंट बहुत अच्छा तरीका है उसका। और इंटेंसिव एफॉरेस्टेशन, ये पहली बार है कि पेड़ लगाने की बात की गई है पानी को बचाने के लिए। अभी तक हम पेड़ लगाने की बात करते थे कार्बन सिंक डेवलप करने के लिए, कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए, कार्बन को पेड़ों द्वारा अवशोषित करवाने के लिए, लेकिन अब पानी को बचाने के लिए पेड़ों की बात की जा रही है। और पानी को बचाने में पेड़ सहायक कैसे होते हैं? सबसे पहले जहां पेड़ ज्यादा होते हैं वहां पे बारिश ज्यादा होती है, पेड़ बारिश करवाते हैं। दूसरा, पेड़ जो है वो मिट्टी को बांध के रखते हैं, ठीक है। मिट्टी को बांध के रखने की वजह से जो सरफेस रन ऑफ है वो कम होता है और मृदा अपरदन भी कम होता है, सॉइल इरोजन भी कम होता है। तो जो पेड़ों का महत्व है बारिश में वो जाहिर है। एक और बात याद रखिए, ये जो जल शक्ति अभियान है इसके लिए कोई अतिरिक्त पैसा सरकार ने नहीं रखा है, कोई एडिशनल कोष या कोई फंड नहीं है। ये जो जल शक्ति अभियान है ये भारत में हम लोगों का बिहेवियर कैसे चेंज करें, लोगों का माइंडसेट कैसे चेंज करें, लोगों की हैबिट्स कैसे चेंज करें, उसके ऊपर ज्यादा है। हम पानी का एक रैशनल यूज कैसे करें, जुडिशियस यूज कैसे करें, उसके ऊपर ज्यादा है। इनफैक्ट इस बार इकोनॉमिक सर्वे में भी यही बात करी गई है कि जब तक हम लोगों का बिहेवियर नहीं बदलेंगे, इसको नाम दिया गया है बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, जिसके लिए 2017 में अर्थशास्त्री रिचर्ड थेलर को नोबेल प्राइज मिला था। कि हम भारत जैसे देश में जहां पे परंपराएं इतनी महत्वपूर्ण है, जहां पे कस्टम्स ट्रेडिशंस हमारी कल्चर इतना महत्वपूर्ण है, संस्कृति हमारी इतनी महत्वपूर्ण है, वहां पे हम बिना बिहेवियर को चेंज किए हुए पानी का मिसयूज कैसे रोक सकते हैं। उसके बाद कुछ एनसीईआरटी के पॉइंट्स देखते हैं और कुछ स्टैटिक पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत को पूरी दुनिया की सिर्फ 4% प्रेसिपिटेशन मिलता है। प्रेसिपिटेशन कई तरह से हो सकता है, जैसे बारिश, वर्षा, या ड्रिजल होना, बूंदाबांदी होना, या ओले पड़ना। तो कई तरह से जो पानी वाष्पीकरण होकर हमारी वातावरण की ऊपरी सतह में जाता है वो वापस बरसता है, इसको प्रेसिपिटेशन कहते हैं। तो भारत में सिर्फ 4% प्रेसिपिटेशन है और जनता है पूरे दुनिया की 18%, तो डेफिनेटली वो एनफ नहीं है। इसके अलावा हमारी जो कृषि है उसमें बहुत पानी खर्च होता है, और 133 हमारी दुनिया में रैंक है पर पर्सन वाटर अवेलेबिलिटी में, यानी एक पर्सन को एक साल में कितना पानी अवेलेबल है उसमें हमारी दुनिया में रैंक है 133। ये कहा है यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट ने। अगर हम 2050 तक की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से जो पर वाटर अवेलेबिलिटी, पर कैपिटा अवेलेबिलिटी है, यानी एक पर्सन को एक साल में सिर्फ 1140 क्यूबिक मीटर वाटर अवेलेबल होगा। वैसे हमें 2050 तक जाने की जरूरत ही नहीं है, जब हमने देखा है कि 2020 तक ही भारत के 21 शहरों में भूजल नहीं बचेगा और भारत के 2030 तक 40% आबादी है जिसको पीने का पानी नहीं मिलेगा। इसके अलावा अर्बन सेटलमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। जो अर्बन सेटलमेंट है, इनफैक्ट अभी बेंगलोर में ये अनाउंस हुआ था कि नए कंस्ट्रक्शन नहीं होंगे, क्योंकि बड़े बड़े बिल्डिंग बनते हैं, पुल बनते हैं, ब्रिज बनते हैं, बड़े बड़ी बिल्डिंग्स, इनके बनने में बहुत पानी खर्च होता है। अर्बन सेटलमेंट की वजह से दो चीज़ें होती हैं, एक
ग्राउंड वाटर अवेलेबिलिटी पे प्रेशर पड़ता है, क्योंकि जहां पानी चाहिए बहुत दूर से हम पानी नहीं ला सकते, वहीं पे हम सबमर्सिबल पंप लगाते हैं, जमीन का पानी निकालते हैं और बिल्डिंग बनाते हैं, और ये अनचेक्ड है, कोई इस पे रोक नहीं है, कोई टोक नहीं है। दूसरी बड़ी समस्या ये है कि जब हमारी अर्बन सेटलमेंट बनती है, यानी हम कंक्रीट बिछाते हैं, कंक्रीट कहाँ बिछा रहे हैं हम, जहाँ पे आर्द्र भूमि है यानी वेटलैंड, और वेटलैंड पानी को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। अब एक बात बताइए, ये मुंबई में हर साल बाढ़ क्यों आती है, कभी आपने सोचा है? ये मुंबई पूरा का पूरा बह क्यों जाता है, जबकि मुंबई समुद्र के किनारे है, तो वो पानी चुपचाप समुद्र में क्यों नहीं चला जाता? क्यों मुंबई शहर पूरा हर बार बाढ़ और पानी इतना होता है? उसका कारण ये है कि मुंबई में अर्बन सेटलमेंट इतना ज़्यादा है कि मुंबई में जो आर्द्र भूमि है, जो वेटलैंड, अब बारिश अगर बरसेगी तो उसको सोखने वाला भी तो होना चाहिए कोई, लेकिन वो सोखने वाले जो वेटलैंड थे उस पे आपने अब बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बिछा दी हैं, आपने बड़े बड़े कंक्रीट जंगल बिछा दिए हैं वहाँ पे, तो वो पानी निकलेगा कहाँ से, पानी की निकासी कहाँ से होगी? तो पानी की निकासी के ना होने से वो बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है और कई तरह के रोग फैलते हैं, स्मेल आती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, जल जीवन प्रभावित होता है। तो हमें अर्बन सेटलमेंट की प्रॉब्लम को भी टैकल करना है, इसके लिए ज़रूरत है अर्बन प्लानिंग की। इसके लिए एक इनफैक्ट सरकार ने स्कीम भी चलाई थी, अमृत, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, कि हमारे जो अर्बन इलाके हैं हमें उनको, उनमें तब्दीली कैसे लानी है, इसके लिए अमृत मिशन भी चलाया गया था। अब वो जमीन पे कितना उसने काम किया ये देखने वाली बात है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात देखिए, जो हरित क्रांति भारत में आई, हरित क्रांति से पहले तो हमारे पास खाने को ही अन्न नहीं था, हमारे पास खाने को ही खाना नहीं था। हरित क्रांति जब आई तो हमारा फोकस किस पे था? गेहूं पे था, चावल पे था, गन्ने पे था। हमारा फोकस ये था कि पहले हम अपना पेट भरें, और ये एक क्रिटिसिज्म होता है हरित क्रांति का कि उन्होंने किसानों की इनकम को डबल करने के लिए या किसानों की इनकम के बारे में कोई लॉन्ग टर्म प्लान नहीं बनाया, इस वजह से जो कैश क्रॉप्स होती हैं वो पीछे रह गई, और कई और तरह के क्रॉप्स ऐसे हैं भारत में जो जिनकी पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है पर हम उगाते बहुत कम है, जैसे बाजरा, रागी, ज्वार, ये सारे जो हैं, जौ, बार्ले, तो इनको मिलेट्स कहा जाता है सबको मिला के, जैसे कि बाजरा, ज्वार, सोरघम जिसे बोलते हैं, रागी इत्यादि, इन सबको उगाना चाहिए। इनके दो फायदे हैं, सबसे पहला फायदा ये है ये पानी कम खाते हैं यानी लेस वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, और दूसरा फायदा ये है कि ये ड्रॉट रेजिस्टेंट है, यानी कि अगर वातावरण विपरीत स्थिति में भी चला जाए, कम बारिश हो या इस तरह की कोई ड्रॉट रेजिस्टेंट ड्रॉट सिचुएशन आ जाए, तो उसमें भी ये फसलें जो हैं इनकी प्रोडक्टिविटी कम नहीं होगी। लेकिन अगर मैं चावल की बात करूं, राइस या शुगर केन, जिस साल बारिश कम हो जाएगी उस साल सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा चावल, सबसे ज़्यादा। तो हमें जो वाटर गजलिंग क्रॉप है, वाटर गजलिंग क्रॉप मतलब जो पानी बहुत खाती हैं, चावल, और इनसे दूर जाना होगा, चावल और गन्ना इस तरह की फसलों से दूर जाना होगा, और हमें लेस वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स को उगाना होगा। इनफैक्ट इसको प्रमोट करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने 2018 को भारत में बाजरा का वर्ष घोषित किया था, तो 2018 था भारत के अंदर नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, और फिर प्रधानमंत्री मोदी ने रिक्वेस्ट करी यूनाइटेड नेशंस को कि आप सन 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा दिवस घोषित कर दो, और वो उन्होंने मान लिया, तो 2023 होगा इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे क्या बोलता है इस बारे में, पानी के ऊपर इकोनॉमिक सर्वे बोलता है कि जैसे राजस्थान ने कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, जन भागीदारी से जल स्वावलंबन अभियान शुरू किया और काफी सक्सेसफुल रहा वहां पे, उसी तरह हमें हमारे टैंक्स, पॉन्ड्स वगैरह इनको रिवाइव करना है, और मॉनसून सीजन से पहले ही तैयारी कर लेनी है, प्रॉपर प्लानिंग कर लेनी है, पानी को हम स्टोर कैसे करेंगे जब वास्तव में बारिश भारत के अंदर होगी। हम और भी चीजें कर रहे हैं पानी की कमी को दूर करने के लिए, खासतौर पर सिंचाई, जैसे फॉर एग्जाम्पल कई तरह की सिंचाई परियोजनाएं चल रही हैं, बाणसागर परियोजना या तारली परियोजना, तेंबू परियोजना, इन अभी कालेश्वरम प्रोजेक्ट चल रहा है तेलंगाना में, पोलावरम प्रोजेक्ट चल रहा है आंध्र प्रदेश में, तो सिंचाई परियोजनाएं एक तरफ। दूसरी चीज़ें जो हम कर रहे हैं, नदियों को जोड़ रहे हैं, अभी 6 बड़े रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट चल रहे हैं, केन और बेतवा को जोड़ा जा रहा है, महाराष्ट्र के अंदर कई नदियों को जोड़ा जा रहा है, तो बड़े लेवल पर रिवर लिंकिंग भी हम कर रहे हैं। भारत में जो पानी है वो ज़्यादातर गंगा ब्रह्मपुत्रा जो बेल्ट है उसके अंदर होता है, इसीलिए जो दक्षिण भारत के राज्य हैं, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्रा वगैरह, इनमें पानी की कमी हो जाती है। आपको बता दूं, अगर आप भारत का नक्शा देखें तो जो हमारी बंगाल की खाड़ी में 4 नदियां गिरती हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, इन चारों में सिर्फ एक नदी है जिसमें पूरे साल पानी रहता है और वो है कावेरी। महानदी, गोदावरी, कृष्णा जो है इनमें पानी पूरे साल नहीं रहता, ये नदियां सूख भी जाती हैं और इनमें उतना पानी नहीं रहता, तो ये भी एक समस्या है बड़ी कि कावेरी को छोड़कर, और कावेरी सिर्फ 2 राज्यों में, एक तो कर्नाटक और एक तमिलनाडु, ये भी एक प्रॉब्लम है।
तो हमें पानी के जो कंजर्वेशन है उन पे बहुत ही ज्यादा ध्यान देना है अगर हमें फार्मर सोसाइट्स को भी रोकना है। महाराष्ट्र में पिछले 3 साल में 12,000 किसानों ने आत्महत्या की है, तो सोशल प्रॉब्लम्स भी इसकी वजह से हो सकते हैं, सोशल अनरेस्ट हो सकता है। क्लियर? तो ये था हमारा जल संचय अभियान। आई होप इसमें मैंने कई आपको नए पर्सपेक्टिव्स देने की कोशिश की, जिससे आप थोड़ा सा एक ब्रॉड लेवल पे चीज़ों को सोच पाएं और अपने यूपीएससी एग्जाम में आंसर लिख पाएं, क्योंकि मेंस आंसर राइटिंग में जब तक आप एक प्रॉपर पॉइंट्स नहीं लिखेंगे तो कैसे नंबर मिलेंगे। अब 150 वर्ड्स में आपको आंसर लिखना है कि भाई पानी की समस्या के ऊपर कुछ बताइए, और आप सिर्फ इससे आगे बढ़ ही नहीं पा रहे कि लोगों को एजुकेट करो और वही सब जो पुराने घिसे पिटे पॉइंट्स हैं। अब इनका समय गया, आपको हाईली टेक्निकल आंसर लिखने हैं विद प्रॉपर फैक्ट्स एंड फिगर्स। तो वही कोशिश की गई है इस वीडियो के अंदर। और मैं आपको बता दूं, हमारी ऐप लॉन्च हो गई है पॉकेट न्यूज़, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपना जो पढ़ाई है वो इससे कर सकते हैं। ये एक क्विक रिवीजन के लिए है, मतलब पूरा दिन जब हो जाता है इस ऐप को बस शाम को 2 मिनट के लिए खोलिए, दिन के जो बेस्ट 25 करंट अफेयर होते हैं वो फोटोज़ के साथ आ जाते हैं इसके अंदर। तो बहुत ही एक ईजी वे में आप इसको कर पाएंगे, और उन 25 में भी जो सबसे इंपॉर्टेंट 5 या 10 होते हैं वो आप सेव कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन में। तो एग्जाम से पहले उसका एक फोल्डर बना लो जिसमें हर रोज़ आप 4 या 5 इमेज सेव कर लो, तो उसके बाद एग्जाम में जाने से पहले बहुत जल्दी रिवीजन आप कर पाओगे। तो ये है पॉकेट न्यूज़, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, एंड्रॉयड पे अवेलेबल है अभी। iOS में हम कोशिश कर रहे हैं इसको डेवलप करने की, अभी सिर्फ एंड्रॉयड पर है। तो इसको आपको POKET के नाम से सर्च करना है, पॉकेट, POKET, स्पेलिंग देख लो, POCKET नहीं, POKET, आपको आसानी से मिल जाएगी। कल ये ट्रेंड भी कर रही थी नंबर 1 पे, और तो आपको आसानी से मिल जाएगी। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, और देखते रहिए स्टडी IQ, और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस।